नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के जौहल नगर के एक नौजवान की मनीला में कुछ नौजवानों ने गोली मारकर की हत्या। परिवार ने सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार। तरन तारण के कस्बा भीखी भिंड के एक 26 वर्षीय नौजवान की कतर में सड़क हादसे में हुई मौत। पारिवारिक सदस्यों ने की सरकार से शव को भारत लाने की अपील। संगरूर पुलिस ने संगरूर जिला जेल में से 5 स्मार्टफोन किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जीरा के जौहल नगर का एक नौजवान जो कि नौकरी की तलाश में करीब 4 वर्ष पहले मनीला गया था, का गत रात्रि कुछ नौजवानों की ओर से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वहीं इस संबंध में मृतक सुखचैन सिंह के पिता गुरजंट सिंह और भाई गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी अपने भाई के साथ फोन पर बात हुई थी और उसने बताया था कि वह यहाँ बिल्कुल ठीक है। वहीं गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसके भाई ने उससे यह भी कहा था कि उसने यहाँ पक्का होने के लिए फाइल लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि गत रात्रि उसके दोस्त का फोन आया था कि सुखचैन की तबीयत ठीक नहीं थी और जब वह डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रहा था तो कुछ बदमाशों ने सुखचैन सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। तरन तारण के कस्बा भीखी भिंड के निवासी 26 वर्षीय प्रभदीप सिंह की कतर में सड़क हादसे के दौरान मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक प्रभदीप सिंह के पिता सतनाम सिंह ने दुखी हृदय से बताया कि 4 साल पहले उनका बेटा प्रभदीप सिंह रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था और वहां पर ट्राला चढ़ाता था और गत दिवस उन्हें वहां से किसी का फोन आया कि उनके नौजवान बेटे की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई है। इसलिए पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और पंजाब सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके नौजवान बेटे का शव भारत वापस लाया जाए ताकि वह अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देख सकें। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि अभी प्रभदीप सिंह की शादी भी नहीं हुई थी। वहीं इस खबर से भीखी भिंड में शोक की लहर पाई जा रही है। भीखी भिंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। जी, कल मतलब कि एक्सीडेंट होया, सानू कल शामी 7:30 पता लगा जी होया। से कल 6 मॉर्निंग दा ही है पर सानू कल शामी पता लगा 7:30 बजे कि उन्हें डैथ हो गई। ये ब्याह सन नहीं, अनमैरिड। किन्ने भैन भरा है तुसी? अभी दो भैन भरा, 3 दो ब्रदर है, एक सिस्टर है जी। सिस्टर वड्डी है, मैं छोटा वड्डा वा, ते ब्रदर 3 नंबर ते, मैं 2 नंबर ते। ते किन्नियां पढ़िया सी प्रभदीप सिंह? प्रा प्लस 2 जी। ए किन्ना चिर हो गया बाहर गए नु? ਇਹ ਭਾਈ 3.5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। सुबह 10 बजे एक SP, 5 DSP और 7 SHO सहित 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ जेल में रेड की गई थी। इस मौके पर SP पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि संगरूर जेल में यह अचानक सर्च अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस ने जेल के चप्पे चप्पे की चेकिंग की, जिसमें पुलिस ने 5 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनमें से 4 स्मार्टफोन में सिम कार्ड मौजूद था तो वहीं एक स्मार्टफोन बिना सिम कार्ड के बरामद हुआ है। पुलिस ने यह सभी फोन बी तथा सी श्रेणी के गैंगस्टरों से बरामद किए हैं। पुलिस ने यह विश्वास दिलाया है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी तथा पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद इनके पास मोबाइल फोन पहुंचने की कड़ी जांच भी की जाएगी और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब रहे कि पुलिस प्रशासन ने लगभग 2 घंटा जिला जेल में चेकिंग की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये आज एक वर्दी SSP सरदार मनदीप सिंह सिद्धू वालों एक सरप्राइज जड़ी रेड प्लान की गई सी, जिदे च मैं एज ए SPD इनू लीड किया, मेरे नाल 5 DSP साहबान, 7 SHO, टोटल 125 बंदा सी विद लेडी फोर्स ला के। प्रॉपर सारी जेल दी सर्च की गई है। सर्च विच सानू वड्डी कामयाबी मिली है। जिहड़ा इत्थे अंदर हाई सिक्योरिटी जोन है उहदे चों सानू 4 स्मार्टफोन्स मिले ने विद सिम्स, तो उन्होंने खिलाफ़ वक् वक् जो बंद को मिले ने उन्होंने बाय नेम FIRs दिखाई नहीं अड्ड और एक सानू जो फोन है अनक्लेम्ड मिले विदाउट सिम और FIR वक्री। हूँ टोटल 5 फोनस मिले हैं तो 5 FIRs दर्ज की जाएगी। एक जी सरप्राइज रेड असी प्लैन की सक्सैस हुई है और टीम संगरूर हमेशा इदा दी रेड्स ने और बाकी प्लैन करती रही है और डेली कोई ना कोई असं अचीवमेंट करते रहे हैं
और जो कि सरकार वालों और साढ़े वर्दी डी जी पी साहब वालों और साढ़े एस एस पी साहब वालों हमेशा यही है कि जिन्हें भी गैंगस्टर्स ने और ड्रग पैडलर्स ने इन्हों रेंडमली जी है कॉर्डन सर्च होंगी रहे रेड्स होंगे रहन सरप्राइज जड़िया ने चैकिंग होंगे रहन। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के वरिष्ठ नेता गुरचरण सिंह चन्नी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि श्रोमणी अकाली दल में किसी को भी अपनी बात कहने या और अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस सलाह पर अमल करने की बजाय उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सीनियर नेता को पार्टी ने बाहर निकाला हो। पिछले 15-20 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। जो भी पार्टी से बाहर जाकर कुछ कहने की कोशिश करता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रकाश सिंह बादल इस पार्टी के सरपरस्त थे तब तक पार्टी ठीक थी, पर जब से सुखबीर बादल की इसमें एंट्री हुई है तब से पार्टी में बिखराव आना शुरू हो गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो सारिया पार्टियां अजकल कहंदियां तो हैगियां ने असीं डेमोक्रेटिक सैटअप साडा हैगा, पर लगभग सारिया पार्टिया दे विच डेमोक्रेटिक सैटअप जिहड़ा खत्म हो चुका, इंटरनल डेमोक्रेसी उन्हां दी खत्म हो चुकी आ। श्रोमणी अकाली दल इन दे विच सब तो उपर आ। श्रोमणी अकाली दल दे विच किसे नूं भी अपनी गल कहण दा हक नहीं है, क्योंकि जिहड़ा भी गल करके कोई सलाह देण दी कोशिश करदा उनकी सलाह ते गौर करन दी बजाए उन्हूं बाहर दा रस्ता दिखा देना जाता। इंडिया बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने, बहुत वड्डे वड्डे लीडर जिन्होंने बाहर का रस्ता दिखाया गया, खास करके ये पिछले 15-20 साल के दौरान जदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार तो बाद जदों सर सुखबीर सिंह बादल की एंट्री हुई है उस तो बाद इन गलों के उत्ते थोड़ा जहा ज़्यादा खिलेरा पैना शुरू हो गया। हूँ पिछे जे सर जगमीत सिंह बराड़ बहुत सीनियर आगू ने, उन्होंने पहले बड़े चावान ने पार्टी ज्वाइन कराई, हूँ उन्होंने कोई सजैशन दी तो उन्होंने सजैशन मनने की बजाए उनके गौर कर बजाए उन्होंने बाहर का रस्ता दिखाता। हूँ बीबी जगीर कौर जी ने कहा भी मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन लड़नी है तो उन्होंने भी बाहर का रस्ता दिखाता गया। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। देखो जिहड़ा मैंबर लोगों दी वोटां लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर बनया इलैक्शन जीती है उन्हूं पूरा हक है प्रधानगी की इलैक्शन लड़न का। जे गल करा मैं श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ी कार्रवाई बीबी जगीर कौर दे उत्ते कीती है उन्हूं तुसीं किदां देखदे हो? बिल्कुल ये एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, ये लोगों के हकों के उत्ते डाका वै। असी श्रोमणी अकाली दल एक डेमोक्रेटिक सैटअप की पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक सैटअप नूं ये कहंदे ने असी डेमोक्रेटिक सैटअप दे नाल चलदे हाँ, पर ये बिल्कुल धक्केशाही है, ये डेमोक्रेटिक सैटअप नहीं है, ये तानाशाही है। पारदेश्वर सिद्ध श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी जालंधर में माता तुलसी और श्री ठाकुर जी का शुभ विवाह बड़ी ही श्रद्धापूर्वक 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसी संबंध में मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद की प्रबंधक कमेटी माता तुलसी जी की तरफ से मुख्य यजमान वशिष्ठ परिवार सराभा नगर जालंधर के साथ पारदेश्वर सिद्ध श्री गौरी शंकर मंदिर जालंधर में ठाकुर जी को तिलक लगाने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे। इस दौरान शगुन की रस्म अदा की गई। इस मौके पर तान्या गुनीश सितारा एंड पार्टी ने संकीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। मंदिर कमेटी के चेयरमैन श्यामलाल शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान पीआर टंडन, प्रधान सुभाष शर्मा, कार्यकारिणी प्रधान विजय जोशी, मधु शर्मा, अनिल शर्मा, एसके शर्मा, एसके मित्तल, संजीव शर्मा, प्रीतम चंद सैनी, बलदेव सिंह शर्मा, रमेश सहगल, हुकुम सिंह बिट्टू, प्रेमलता वशिष्ठ, रविंदर ठाकुर, अशोक अरोड़ा, बीडी महाजन, रवि महाजन, डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, अरुण गौतम, यश सयाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की। Bye.
ਵੈਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਰੀ ਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਚੱਲਣਗੇ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਠਾਕੁਰ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਵਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਮਾਂ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਨੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੰਚੋਪਚਾਰ ਸ਼ੋਡਸ਼ੋਪਚਾਰ ਗੌਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੁੰਭ ਪੂਜਨ ਮਾਂ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਪੂਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਏਵਮ ਜਸ ਭਾਟੀਆ ਸੇ ਸਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ। तो वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि हमें सत्संग का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। वहीं उन्होंने मानव को सभी जीवों में सर्वोत्तम बताया। उन्होंने कहा कि मानव ही एक ऐसा जीव है जो अपना ज्ञान और गुण आगे की पीढ़ियों में देते हैं और ज्ञान देने की शक्ति परमात्मा की भक्ति से आती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुमिरन के लिए कुछ समय अवश्य निकाल ले। वहीं इस अवसर पर विक्रम भसीन, रोहित भाटिया, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, रोहित बहल एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगला मुखी जी। आज मां बगला मुखी ताम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है मां दे इस भव्य मंदिर दे विच अज वीरवार हवन यज्ञ जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध चलदा आ रहा वह अज संपूर्ण होया महामाई की कृपा नाल। बहुत ही दूरों दूरों संगतां ने आके हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डालियां। साडी पितांबरा दे चरणां च बारंबार यही अरदास है माँ कृपा करो अपने भगतों के बेड़े पार करो और इस तरह ही अपना जिहड़ा आशीर्वाद है अपने सारे भगतों के उत्ते बना के रखो। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि जिहड़ा शनिवार शाम नूं हवन यज्ञ हुंदा सी उह हुण ड्यू टू मौसम की थोड़ी जी तब्दीली करके उह सुबह नूं करता गया है। शनिवार सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक हवन यज्ञ होएगा और जिहड़ा वीरवार वाला भी हवन यज्ञ है वह भी सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक निरंतर जारी रहेगा। कोई भी मां भगत आना चाहे सवेरे 7 बजे तो पहला हवन यज्ञ दे विच चाहे शनिवार है चाहे वीरवार है आके अपनी हाजिरी लगवा सकता। जय मां बगला मुखी जी। सती वृंदा देवी मंदिर कोट किशन चंद जालंधर में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया जिसमें मेहंदी की रस्म का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं ने मां तुलसी जी को मेहंदी लगाकर इस रस्म को अदा किया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों पर भी मेहंदी लगाकर मां तुलसी जी का गुणगान किया। इस मौके पर मंदिर के सेवादार टीनू सौंधी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां वृंदा देवी मंदिर में तुलसी आंवला पूजन का मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसमें भक्त दूर दूर से पहुंचकर भाग ले रहे हैं। उन्होंने सभी मां भक्तों से इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
ਮਾਂ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਟੀਨੂ ਸੁਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਰਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਗੁੰਬਰ ਨਿਵਾਸ ਮੇਂ ਗੁੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੀਪਕ ਸਰਗਮ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਭਜਨੋਂ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਤਪਾਲ ਗੁੰਬਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਗੁੰਬਰ, ਅਮਿਤ ਗੁੰਬਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਗੁੰਬਰ, ਆਂਚਲ ਗੁੰਬਰ, ਪੂਨਮ ਗੁੰਬਰ, ਪੂਜਾ ਮਦਾਨ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੂਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੁੰਬਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੁੰਬਰ, ਨੀਲਮ ਗੁੰਬਰ, ਗੀਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਪੁਨੀਤ ਨਾਰੰਗ, ਸੁਹਾਨੀ ਨਾਰੰਗ, ਉਮਾ ਨਾਰੰਗ, ਨੰਨੂ ਅਰੋੜਾ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਬਗਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां मंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां मंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस दौरान श्री 108 महाराज स्वामी जी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला मां बंगला मुखी जी के महामंत्र के जाप करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किल बुद्धि विनाशे हरिं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किल बुद्धि विनाशे
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा के जौहल नगर के एक नौजवान की मनीला में कुछ नौजवानों ने गोली मारकर की हत्या। परिवार ने सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार। तरन तारण के कस्बा भीखी भिंड के एक 26 वर्षीय नौजवान की कतर में सड़क हादसे में हुई मौत। पारिवारिक सदस्यों ने की सरकार से शव को भारत लाने की अपील। संगरूर पुलिस ने संगरूर जिला जेल में से 5 स्मार्टफोन किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।